बेबी हाँ? आप मेरे लिए क्या कर सकते हो? आपके लिए तो मैं जान भी दे सकती हूँ। अरे बेबी, जान देने की जरूरत नहीं है, बस एक बार अपने नरम नरम प्लीज बीप डाल देना प्लीज। यही नहीं, अभी और सुनिए। वजन मेरी थोड़ी घटा रहा हूँ, तुझे लीन बॉडी पसंद है, मैं हेल्दी खाने चबा रहा हूँ, सुनने में आया है तू नहीं देगी अभी क्या, अभी जाके बार बार भाई एडिटर इसको कट कर देना भाई, जाता हो गया ठीक है नहीं इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आई विल ट्राई इन माय नेक्स्ट वीडियो। ओके सो अभी फिलहाल स्टार्ट करते हैं। सो आज की वीडियो में हम देने वाला रिएक्शन, बिकॉज तुम लोगों को काफी सारी मेरी अभी रिसेंट वाली वीडियो में इतने सारे कमेंट आ रहे कि भैया फ्री फायर वाली जो वीडियो रहती है उस पर रिएक्शन दो फ्री फायर टिकटॉक वाली, तो मैं फिलहाल लेके आ चुकी हूँ। और फर्स्ट ऑफ ऑल हेडफोन जरूर से लगा लेना ठीक है, वरना मैं जिम्मेदारी नहीं ले रही किसी की ठीक है। तो चलते हैं फटाफट चुनने वीडियो पे, देखते हैं कि इस बार हमको क्या देखने को मिलने वाला है, लेट्स सी। ओके एंड गाइस प्लीज एक रिक्वेस्ट आप लोगों से और है, प्लीज इंस्टाग्राम का भी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज जाके जरूर से फॉलो कर लेना, क्योंकि अगर आप लोग मुझसे बात करना चाहते तो मैं जरूर आप लोगों से वहाँ पे बात करूंगी ठीक है। एंड डिस्कॉर्ड का लिंक भी है जहां पे मैं कभी कभी बैठ के सबसे बात करती रहती हूँ, तो डिस्कॉर्ड पे भी जाके जरूर से क्या बोलते फॉलो करना बोलते ना ज्वाइन कर लेना। ओके सो चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि वीडियो में आज की क्या मिलने वाला है हम लोगों को। सो गाइस चलो यार स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि इस वीडियो में क्या अमेजिंग देखने को मिलने वाला है, एंड वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो जाके जरूर से सपोर्ट कर देना ठीक है। ब्लॉक करके सोच रहा है मिस कर रही होगी। हम तो 2000 की गिरी हुई नोट तक ना उठाए, तू तो फिर भी चवन्नी था। तो क्या फायदा ऐसी रईसी का मैडम, जब तुमको चवन्नी जैसा लड़का ब्लॉक करके चल जा रहा है। ये बहुत सही बात है भाई। बेबी हाँ? आप मेरे लिए क्या कर सकते हो? आपके लिए तो मैं जान भी दे सकती हूँ। अरे बेबी, जान देने की जरूरत नहीं है, बस एक बार अपने नरम नरम प्लीज बीप डाल देना प्लीज। मैं कुछ नहीं कर सकती भाई, मेरी कोई गलती नहीं, आई एम वेरी शरीफ हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मतलब पहले ही बोल देती हूँ तुम लोगों को ठीक है। जब भी कोई वीडियो आते ना बीच में कुछ ना कुछ देखने को मिल ही जाता है, तो प्लीज हेडफोन लगा के बैठा करो हमेशा। ओके चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। एक बात बोलूं? हाँ? तू ना संदीप महेश्वरी की वीडियो देखा कर, तुझे ना प्रेरणा मिलेगी। और मुझे तो मियां खलीफा चाहिए। वजन मेरी थोड़ी घटा रहा हूँ, तुझे लीन बॉडी पसंद है, मैं हेल्दी खाने चबा रहा हूँ, सुनने में आया है तू नहीं देगी अभी क्या, अभी जाके बार बार भाई एडिटर इसको कट कर देना भाई, जाता हो गया ठीक है नहीं। मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का। ओके सो गाइस चलो आगे कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं कि अब आगे क्या है, क्या कि हमारे उसूलों में माफी सिर्फ पहली गलती की है। okay. बार बार पार की गई हदों की नहीं, हमारे उसूलों में माफी सिर्फ पहली गलती की है, जानबूझकर पार की गई हदों की नहीं, और वो चारों मिलकर सोचते हैं मुझे पछाड़ देंगे, अब ये रेस घोड़ों की है गधों की नहीं। सो परफेक्ट, एकदम लिटरली परफेक्ट परफेक्ट। दिल कहता है कि किसी का बुरा मत कर, तेरे साथ भी वैसे ही होगा, पर मैं दिल से एक ही बात पूछूंगा कि ये दिल अच्छा कर करके जाले तूने क्या उखाड़ लिया। लिटरली ना, लिटरली ना दोनों शायरी ना एकदम हार्ट टचिंग काइंड ऑफ होती ना, ऐसा वाला फील दिया है ना दोनों ने मेरे को, सीरियसली ना बहुत प्यारी थी सच्ची कसम से। जो हमें बदनाम करते हैं उनके शहर में चर्चे कराने हैं, और अभी मिली नहीं है मंजिल, जो जलते हैं अभी वो और जलाने हैं। Yes, definitely, me too. निकल पहली फुर्सत में निकल। अरे वाह रे पिल्लो, मासूम बन के चतुराई करनी शुरू करती, और ये क्या
जब मेरी बराबरी ना कर सके तो मेरी बुराई करने शुरू कर दी। Yes, definitely. लोग ऐसे ही करते हैं, हमें सोचते हैं जिसकी बराबरी नहीं कर सकते ना उनकी बुराई करने बैठ जाते। कोई बात नहीं, करो करो, अच्छा लगता हमको। चक्कर में दोस्तों को भूल गया था लेकिन बुरे वक्त में वही साथ दिखे। कुत्ते तो यूं ही बदनाम है मेरी जान, काटना तो कोई तुझसे सीखे। लेवल लेवल बोलते भाई, मुझे ऐसा ही बात है। ये तो ना मीन्स लाइक दोस्त होते वो हमेशा काम आते, चाहे अच्छा टाइम है बुरा टाइम, बस दोस्त अच्छे होने चाहिए। वरना काफी मतलबी दोस्त भी होते जो सिर्फ आपके अच्छे टाइम में आपके साथ में होते, बुरे टाइम में नहीं। मुझे लगता था कि मेरा दोस्त मेरा व्हाट्सएप का सैड स्टेटस देख के मुझसे मेरा हाल पूछेगा, पर भाई उसने तो बोला सेंड मी। मैंने कहा ना मुझे लगता था। सीरियसली आज के टाइम में यही होता है भाई, कोई भी स्टेटस लगाओ इसलिए मैं व्हाट्सएप स्टेटस लगाना ही छोड़ दिया। बहुत इन रेयर केस होता है जब मैं कोई व्हाट्सएप का स्टेटस लगाती हूँ, अदरवाइज ऐसा ही होता है कि भैया आपने कुछ अच्छा स्टेटस लगा, आपने लगाया और लोग पूछेंगे नहीं कि क्या हुआ, लोग पूछेंगे डायरेक्ट मैसेज करेंगे मैं को भी सेंड कर दो। यार आप बहुत स्वीट हो। सच में? हाँ बिल्कुल, रसमलाई जैसे। थैंक यू सो मच यार। और बताओ क्या कर रहे हो? मजा भले ही औकात के ऊंचे हो तुम, मगर दो कोड़ी का कायदा है तुम्हारा। कि भले ही औकात के ऊंचे हो तुम मगर दो कोड़ी का कायदा है तुम्हारा, अपना फायदा देखकर बात करते हो, मुझसे दूर रहने में ही फायदा है तुम्हारा। आज के टाइम में तो मतलब ही दुनिया, वैसे भी सब मतलब के लिए बात करने आते, बिना मतलब के कोई किसी के पास नहीं जाता, ठीक है। मैंने तो बहुत एक्सपीरियंस करी ये चीज़ें, लेवल वाली वो भी, ठीक है। काम होता ना तो सब लोग अच्छे अच्छे बन बन के आते हैं, काम निकला नहीं तू कौन मैं कौन, ऐसा काइंड ऑफ। जिसका साथ चाहिए था उसी का हाथ छूट गया, और इतने तो किसी के दांत नहीं टूटते जितनी बार हमारा दिल टूट गया। साला कभी कभी लगता है आपको नीचे नौटंकी है। ओके चलो आगे कंटिन्यू करते, बाकी देखते क्या है। नजर अंदाज करते हो तेरी कसम नजर आना छोड़ देंगे। आए आए। नजर अंदाज करते हो तेरी कसम नजर आना छोड़ देंगे। जीजा जी का होटल है। ये जो राउंड 12 के जो डायलॉग्स होते ना वाई लेवल वाले होते, बड़े बड़े सही लगते हैं मेरे को, बड़े मजे आते हैं इनके डायलॉग सुनने में। कुछ अच्छे लोगों ने बिगाड़ दिया है मुझे, सबने मतलब के लिए प्यार दिया है मुझे। कुछ अच्छे लोगों ने बिगाड़ दिया है मुझे, सबने मतलब के लिए प्यार दिया है मुझे। मैं आज भी हर लड़की की इज्जत करता हूँ क्योंकि मेरी माँ ने संस्कार दिया है मुझे। यार गाइस एक चीज में मैं इस चीज में बोलना चाहती हूँ, बिकॉज लिटरली ना ये जो हाई जो लाइंस थी ना लिटरली बहुत हार्ट टचिंग थी। बिकॉज यार मेरे को समझता नहीं कि क्यों मीन्स लाइक ना काफी सारे लोग, मैं जब भी लाइव स्ट्रीम करती हूँ सेकंड चैनल पे, ठीक है, काफी सारे लोग आते हैं अच्छे से बात करो ना क्या दिक्कत है, मतलब अननेसेसरी, ना मैं तुम्हें जानती हूँ ना तुम मुझे जानते हो, ठीक है। काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जो बिना बात की गाली देते, क्या सेंस, क्या मिल क्या जाता है, बता ना। तुम्हारे घर पे भी तुम्हारी माँ बहन होगी ना, क्या तुम उनको जाती गाली देते हो? क्या तुम्हारे घर वालों ने ये चीजें सिखाई तुमको? नहीं ना, तो क्यों गाली देनी है? जब मैंने तुमको कोई गाली नहीं दी, मैंने तुमको कोई बैड वर्ड्स नहीं बोले, तो तुम्हारा भी राइट्स नहीं बनता है ना वहां पे। मेरे को नहीं समझता, प्लीज मत करा करो यार, ये शो करता है कि तुम्हारी मेंटेलिटी क्या है, तुम्हारे घर वालों ने क्या संस्कार दिए, तो ये चीजें प्लीज मत करा करो, नहीं अच्छी लगती है सच्ची कसम से। शर्म करो, शर्म। मैंने बोला दिलरुबा, उसने बोला पैसे दिखा। मैंने बोला तू जो खेल खेल रहा है मेरे साथ, तेरा बाप रह चुका हूँ इस खेल में। तू जो खेल खेल रहा है मेरे साथ, तेरा बाप रह चुका हूँ इस खेल में। और बेटा ये गोलियां बंदूक मुझे मत दिखाना, मेरे साथ के लौंडे आज भी पड़े हैं जेल में। क्या बात है यार चाहत? परसों मेरे बॉयफ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया था, तब से खड़ा नहीं हो रहा है। हिलाकर देखी। अबे चूतिए, मेरा बॉयफ्रेंड खड़ा नहीं हो पा रहा है। कौन है? कहां से आती है? यही नहीं, ये और सुनिए। कोशिश करता रहूंगा जब तक सांस चलेगी, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा। कोशिश करता रहूंगा जब तक सांस चलेगी, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा। मेरी किस्मत भी छीन लो, मेरी मेहनत भी, मेरी उम्मीद भी तोड़ दो, मेरा तजुर्बा भी, मैं फिर भी चमक कर दिखाऊंगा।
सच्ची कसम से ना, ये जो थी ना शायरी भाई, लेवल बोलते हो भाई, सब कुछ कर लो, जिसको जो करना है कर लो, पर जिसको अपने ऊपर बिलीव होता है ना, ठीक है, वो हर मुश्किल से आगे निकल ही जाता है। तो अपने आप पे बिलीव करना सीखो गाइस, और कुछ भी नहीं है लाइफ में, ठीक है। सो मुझे लगता है कि शायद वीडियो अब काफी ज्यादा बड़ी हो जाएगी, तो अभी हम इसको यही फिनिश्ड आउट करते हैं। एंड वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, और हाँ न्यू इंट्रो जरूर से बता देना, एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना। सो मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है।